आपको दिखाएंगे, मैंने पर्सनली अपने कस्टमर को अपने पास बैठाया आपको दिखाने के लिए एज ए सैंपल के है, ये जो ब्लो ड्राई हेयर वगैरह ये किस तरह से आप अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी कर्ल स्ट्रेटनर और फेस स्टाइलिंग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने प्लीज थोड़ा सा अटेंड कीजिएगा, आपके जो हेयर्स हैं इसको आपने अच्छी तरह से नीचे से टाई कर लेना है, ठीक है। इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ कैचर अवेलेबल है, सो मैं कैचर ही यूज करूंगी। आप इसको पोनी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इस तरह से मैंने डाली है इनके हेड पे। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम पे मिड पार्टिंग है। अब मैं आपको इसको लेफ्ट एंड राइट करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस साइड फ्लिक यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने बालों में, तो इस तरह बहुत इजीली ये साइड पार्टिंग भी हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम पे मेरी कस्टमर को बहुत सूट कर रही है ये, और बहुत इजी टू वेयर है, बहुत इजी टू एडजस्ट है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं लोग, ठीक है। आप थोड़ा सा टर्न होकर दिखाइएगा, ये आप इसकी साइड लुक भी चेक कर सकते हैं। इस साइड पे भी ये बिल्कुल मैट है और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लुक देती है। आप इसको कर्ल स्ट्रेट सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। ओके जी, साइड पार्टिंग के बाद आप इसको दोबारा से इस तरह से ब्रश कीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इसको अगर जो मांग वगैरह नहीं पसंद करते ना साइड की ना ही वो फ्रंट की, तो वो इस तरह से भी बालों को पीछे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक कर रहे हैं ये बिल्कुल इजीली ब्रश की जा सकती है और इसकी स्टाइलिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हैं। प्लीज इस तरह को ओके, आप इसको स्टाइलिंग पे यूज कर सकते हैं, आप इसको हाफ कैचर भी कर सकते हैं। इसकी जबरदस्त फ्लिक चेक करें, अगर आप लोग नहीं पसंद करते कोई भी किस्म की मांग, तो आप इसको इजीली इस तरह से हाफ कैचर भी कर सकते हैं। ओके जी, इट्स डन। ये ले जी, मैंने आपको इसके थ्री स्टाइलिंग बनाकर दिखा दिए हैं। ये है फ्रंट, अगर आप किसी को मांग नहीं पसंद है वो इसके बालों को बैक पे भी कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिपिंग कर लिया है, आप इसकी अपनी स्टाइलिंग अकॉर्डिंग पोनी टेल बना सकते हैं, जो भी स्टाइलिंग करना चाहे कर सकते हैं। इसकी फिनिशिंग लुक चेक करें, बहुत ही जबरदस्त है, मैट क्वालिटी है। लाइटली साइज को ऐसे टर्न करेंगे हम, क्योंकि सीधे इसकी ये लूज कर्ल इस पर डल सकता है। बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं कि हमसे ये कर्ल्स नहीं डलता है, 140 डिग्री पे गर्म करें स्ट्रेटनर को और स्मूथली से इसको कर्ल्स करें। इस तरह से डल जाता है, कर्ल्स भी डल जाता है। अगर आपको ये वेव्स नहीं पसंद है, इनके वेव्स को भी आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं, इस टाइम पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि जो मैंने कर्ल्स किया उसको मैं वापस स्ट्रेट भी कर रही हूँ, ठीक है। इसकी क्वालिटी ये देखें, अगर आपको डेड स्ट्रेट चाहिए इसको आप डेड स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अगर आपको ये वेव्स नहीं पसंद आ रहे तो आप इनको भी स्ट्रेट कर सकते हैं, सेम लाइक जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में। इस तरह से देखें, ये मैं आपको लाइव वीडियो में करके दिखा रही हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, सो ये वीडियो उनके लिए, इसलिए खास तौर पे देख लें। 140 डिग्री पे मैंने इसको गर्म किया हुआ है स्ट्रेटनर में, ये आप चेक कर सकते हैं, ये 140 डिग्री पर वार्म है, ठीक है। इसको मैंने ऑन किया है और आपके सामने मैं लेयर्स को स्मूथली स्ट्रेट कर रही हूँ। इसकी प्राइस के लिए, डिटेलिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं और ये सबसे जबरदस्त और हॉट सेलिंग जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये फ्री स्टाइलिंग है, इसको जिस तरह मर्जी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइड फ्लिक पसंद आ रहा है तो आप इसका साइड फ्लिक भी कर सकती हैं, अगर आपको इसकी मिड पार्टिंग चाहिए मिड पार्टिंग भी कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैट हेयर्स, अल्लाह हाफिज़।